सलाम वालेकुम। हाय गाइस, तो मुझे एक मैसेज देना था सब लोगों को कि मेरे नाम के डेली पता नहीं कितने लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, फेक अकाउंट कहलाते हैं वो, जो तो फैन पेज भी कहलाते हैं, फेक अकाउंट भी होते हैं। बट मैंने वीडियो बनाना इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि इतने फेक अकाउंट हो गए ना, मेरे में इतने फेक अकाउंट हो गए हैं कि अब मेरे जो फॉलोवर्स है ना वो उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई उधर जा रहा है। तो मतलब मेरी वीडियोस प्रॉपर नहीं आ रही थी, लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और जानने वाले ही मेरे, जैसे जो मेरे स्टेटस भी देखते हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन है उसमें, और बाकी कुछ मेरे टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं और कुछ अननोन भी हैं, तो एक्सेट्रा जितने भी लोग हैं मेरे नाम से अकाउंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और फिर मेरी वीडियो मेरे अकाउंट से उठा के अपलोड करते रहते हैं। इसी वजह से मैं डाउनलोडिंग भी बंद की हुई थी, बट अब इतना मसला हो गया है ना, अभी एक फेक अकाउंट घूम रहा है मेरा, पता नहीं किसने बनाया हुआ है मेरे ही नाम से, दूसरे फेसबुक के नाम से। आप मेरा अकाउंट सर्च करो तो वो भी आपको आएगा नीचे, तो वो मेरी ऑल वीडियोज उठा रहा है, उसके फॉलोअर्स तकरीबन 5 से 8 मिलियन विजिट कर रहा देखा, और उसके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। तो यार देखो, अब अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पर बनो, किसी और का नाम यूज़ करके आप आगे बढ़ लो तो फ़ायदा नहीं है। मतलब कल को आप बना रहे हो वीडियोज, मेरी वीडियोज डाल रहे हो, आपको फैन फॉलोइंग मिल रही है, आपको आपको मतलब अकाउंट ग्रो में आ रहा है आपका, बट कल को आप अपनी वीडियो बनाओगे, अपनी वीडियो डालोगे तो जो मेरे फॉलोअर्स हो आप कौन फॉलो करेंगे? ऑब्वियसली अगर मैं भी किसी और वीडियो डालूँ लोग उसको देखे फॉलो कर रहे हैं मेरे को, तो अगर मैं फिर अपने डालने लगता तो लोग कौन फॉलो कर रहे हैं? जो जिसके लिए फॉलो कर रहा था वो बंदा नहीं है, कोई और है उसकी जगह, तो ऐसा नहीं करो, अपनी मेहनत पे बनाओ। इसीलिए मैंने वीडियोज बनाने छोड़ दिए टिकटॉक को। सो अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी तो मैंने फौरन डिलीट कर दी क्योंकि वो उस अकाउंट से अपलोड हुई थी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बाकी मैं 10 मुहर्रम तक तो कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, और हो सकता है पूरा मुहर्रम ना बनाऊंगा वीडियोस। तो मैं 2019 में या 2020 में मैंने स्टार्ट किया था टिकटॉक का, बट मैं प्रॉपर नहीं रहता था, तो फिर मेरे व्यूज भी अच्छे आने लगे क्योंकि पहले प्रॉपर था, तो व्यूज अच्छे आए, फिर लोगों ने इससे फायदा उठाया, इसलिए मैंने टिकटॉक बीच में छोड़ दिया था। जब मेरा मोबाइल भी चोरी हुआ था और फिर एक दफा अकाउंट बैन हुआ था, तो इससे बहुत सारे लोगों ने ना फायदा उठाया। और बस यार, बाय बाय।